न्यूज ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी काजोल नारायण। आज जिनकी बात में हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे कि जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। पश्चिम बंगाल चुनाव लाइमलाइट में है लगातार, ऐसे में सबकी निगाहें हैं वहां के चुनावों पर। चार चरण के चुनाव हो चुके हैं और चार फेजेस के चुनाव भी बाकी हैं। हर कोई बात कर रहा है कि अभी तक क्या कुछ हुआ चुनावों में। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में उन्होंने बताया कि 63 से 64 सीटें जो हैं वो अभी तक इस पर आगे चल रहे हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्षा है ममता बनर्जी, वहां की मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा कि वो अभी तक के जितने भी फेजेस की वोटिंग हुई है उसमें वो आगे चल रही है। लेकिन ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर जो रोक लगाई है इसके बाद वो धरने पर बैठ जाती है। आज हम इन सब पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इन सब के बारे में आपको पहले से ही बता है। आज हम बात करेंगे वोटर की, कि वोटर के बीच जो फैलता अंडर करंट है वो अंडर करंट क्या कहता है। ऐसे में जो साइलेंट वोटर है वो क्या कहते हैं, उनकी बात की जाएगी क्योंकि उनके नाम के आगे साइलेंट लगाए, लेकिन एज अ रिपोर्टर हमारा हक बनता है कि हम साइलेंट रिपोर्टर की आवाज बने और उनकी बात भी जनता तक पहुंचाएं कि जो साइलेंट वोटर है उसके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसे में काजोल नारायण, हम लोगों ने लगातार देखा इस तरह की चीजों को कि वहां पर जो पूरा सीन है वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। मध्य प्रदेश से कंपेयर करें, उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें, राजस्थान से कंपेयर करें, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि पक्ष और विपक्ष सामने खड़े होकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन वहां पर पश्चिम बंगाल से जैसी हमको रिपोर्ट्स मिली, वहां पर खड़े होकर आरोप लगाना काफी मुश्किल है। लोग कैमरा बंद होने के बाद इस तरीके की बातें कर पाते हैं, उस पर क्या कुछ है? बिल्कुल काविंद्र, आपने साइलेंट वोटर का यहाँ पर जिक्र किया है। साइलेंट वोटर्स क्या होते हैं पहले ये समझना बेहद जरूरी है। साइलेंट वोटर्स वो होते हैं जो, अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें, उनमें कहीं ना कहीं उन्हें नहीं गिना जाता है। ये कहा जाता है कि वो चुप है, ना तो वो विपक्ष की कह रहे हैं ना वो पक्ष की कह रहे हैं। उन्हें उनके मन में क्या चल रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं जता पाते, ना उनकी व्यथा जो है वो ये रहती है कहने की कि वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो साइलेंट वोटर्स एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो, तबका है बंगाल में। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, टीएमसी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बंगाल में। अब वो क्यों कहती है ये टीएमसी जाने या फिर बीजेपी जाने, लेकिन जिस तरह से आप फील्ड में गए काविंद्र, आपने देखा और हम भी कई बार आपसे जुड़े हैं, ये चीज हमने देखी कि अगर जब भी हम माइक आईडी लगाते हैं किसी भी, कोई भी हो वहां पर उसके सामने लगाते हैं, तो सीधा ही बोलते हैं कि टीएमसी जीतेगी, ममता दीदी आएंगी, ममता दीदी आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी आंखों में आप देखेंगे तो एक खौफ नजर आता है। वो खौफ किसका है, क्या ममता बनर्जी का है, या ममता बनर्जी को नहीं पसंद करते हुए भी वो उनको वोट देने के लिए मजबूर है, या फिर पोलिंग बूथ पर जाकर उनका मन बदल जाता है, या ऐसी और चीजें निकल कर सामने आती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्या उन्होंने खौफ फैला रखा है, आतंक फैला रखा है, या फिर ममता दीदी यानी कि टीएमसी से उभर कर जनता आगे सामने नहीं आ पा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद आपने बोला कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर हम पिछले कई सालों की बात करें या फिर मैं 65 सालों की बात करूं, जितना मैंने पढ़ा है, 65 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं बंगाल में, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, एक भी चुनाव ऐसा नहीं गया है जिसमें हिंसक घटना हो। राजनीतिक हिंसा क्यों ऐसा होता है वहां पर? कभी रोहांगियों का जिक्र किया जाता है, तो कभी ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है जो टीएमसी के, अगर हम कहें गुंडे, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, गुंडे वो हैं, और गुंडे जनता को हांकते हैं, जनता जिस तरह से वो हांकते जाते हैं जनता वैसा ही करती जाती है। हांकना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वहां पर सिर्फ जनता अपनी गर्दन हिला देती है, या तो वो बोलेंगे तो ममता के सपोर्ट में बोलेंगे, ममता के खिलाफ अगर बोलेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि गर्दन कलम करवा दी जाएगी, आपकी बोलती बंद करवा दी जाएगी। ये डर उनमें लगातार दिखाई देता है। आप फील्ड पे कहीं हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन हम आपसे जुड़े थे तो इतना हम समझ पाए हैं उस स्थिति को कि चुनाव में माहौल कैसा बना हुआ है। देखिए, कहीं भी गोलियां चल रही है, कहीं भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों? बिल्कुल, बंगाल की हवा में दरअसल ममता दीदी का खौफ बह रहा है, वही वहां पर हवा जो है इस तरह की है। लेकिन एक बात बहुत सोचने वाली है कि ऐसी हवा बनती चली जाती है और ऐसे में जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है, वो कहाँ है? क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए बहुत खराब है। ऐसे में कई दफा क्या होता है कि अगर जब हम इस तरह की बातें करते हैं, राज्य सरकार के खिलाफ इस तरीके की बातें हम करना नहीं चाहते, लेकिन जब करनी पड़ जाती है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी दरअसल ये है, एक रिपोर्टर का काम ही होता है कि वो आपको चीजें रिपोर्ट करे। और जरूरी है बिल्कुल दिखाना। बिल्कुल, बिल्कुल। जरूरी है। अगर फिल्टर लग जाता है तो फिर वो मेरी नजर में वो रिपोर्टर का काम ही रह जाता। तो ऐसे में आपको ये बताना बहुत जरूरी था कि वहां के जो लोग हैं
वो आपके मुंह पे कैमरे के सामने ये बातें करते हैं कि टीएमसी आ रही है, ममता दीदी आ रही है, लेकिन यकीन करिए कि जैसे ही कैमरा बंद करते हैं तो सबके जुबान पर एक ही नाम होता है कि हाँ बीजेपी भी आ रही है। ऐसे में यहां पर मैं एक जिक्र करना चाहूंगा प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर को अगर आपके परिचय कराऊं तो सीधे सीधे चाणक्य बता देता हूं, वो इस समय ममता बनर्जी के चाणक्य हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के चाणक्य जो हैं वो अमित शाह बताए जाते हैं, तो वैसे ही वो ममता दीदी के चाणक्य हैं। ऐसे में कुछ दिनों पहले एक क्लब हाउस मीटिंग का एक चैट का एक वायरल हुआ था, तो उसमें वो कहते हुए दिखाई दिए थे कि यहाँ पर मुस्लिम तुष्टिकरण जो है वो बहुत हाई लेवल पे हो रहा है बीते कई सालों से, कांग्रेस का दौर रहा हो, लेफ्ट का दौर रहा हो, या फिर जो अभी टीएमसी का दौर रहा है, ऐसे में वहां पर मुस्लिमों को साधने की हर भरपूर कोशिश की गई। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं, ये पहली दफा हो रहा है कि जब बीजेपी की एंट्री हुई है, इस बार जब बीजेपी ने पहली दफा एंट्री ली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदुओं के बीच ये मैसेज पहुंच रहा है कि हाँ उनकी भी कोई बात कर रहा है, उनको भी कोई पूछ रहा है। बिल्कुल पूरा करें, उससे पहले एक छोटी सी बात ये भी है काविंद्र समझना कि चाहे लेफ्ट हो चाहे टीएमसी हो, देखिए बीजेपी ने लोकसभा अगर 2019 की मैं बात करूं चुनावों की तो अच्छी सीटें लेकर आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ये कह रही है कि वो एक अच्छा आंकड़ा जो है वो लेकर आएगी वोटों का, लेकिन चाहे लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो और चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, इन ये तीनों जब भी रही है बंगाल में हिंसक झड़प हुई है, हिंसा हुई है, क्या वजह है? क्या वहां पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर लोगों को भड़काया जा रहा है? इतना आसान क्यों है वहां पर लोगों को भड़काना कि वहां दंगे इतनी आसानी से भड़क जाते हैं? इसके पीछे काजोल जो सबसे बड़ा रीजन है वो दरअसल ये है कि कहीं पर कुछ चीज अगर ज्यादा बार होती है तो वही वहां पर कॉमन हो जाती है। जैसे बिहार में एक दौर था जब वहां पर हिंसा बड़ी आम थी, किसी को मार देना, किसी का अपहरण कर लेना, तो ये बहुत कॉमन सी बात थी। कोई थाने में पहुंचता था और बताता था कि मेरे भाई का, मेरे भतीजे का अपहरण हो गया, तो पुलिस वाले इतना ज्यादा चौक नहीं जाते थे जैसा अगर अमेरिका में आप जाके बताएंगे कि समवन है मतलब अपहरण कर लिया है मेरे भाई का, मेरे बेटे का, तो पुलिस वाले वहां पर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो यहां पर कॉमन होने वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का इतिहास राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है, वहां पर डेमोक्रेसी में वो सीधे सीधे जो होता है ना कि मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में सवाल होता है कि वहां पर डेमोक्रेसी है या सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह मात्र? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि डेमोक्रेसी है भी दरअसल वहां पर, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो आस्था है, डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, वो चुनाव ही है। चुनाव एक पर्व होता है जो डेमोक्रेसी का पर्व होता है, एक त्योहार होता है। तो ऐसे में इस त्योहार में हर बार, इस बार ही नहीं, हम 2018 के पंचायत चुनावों की बात करेंगे जब इस तरीके की घटनाएं हमने लगातार देखी और खबरें रिपोर्ट भी की। उससे पहले हम आपको बता दें कि 2016 में भी इसी तरह की तस्वीर, और उससे पहले भी 2007 में नंदीग्राम में जो कुछ हुआ वो सभी को पता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ होता रहता है और सेंटर की नाक के नीचे इतना सब कुछ होता रहता है, लेकिन कभी भी सेंटर ने इसमें कभी इंटरफेयर नहीं किया। इस बार पहली बार जब सरकार बोल रही है, वो सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि इस बार बीजेपी खुद वहां पर चुनाव लड़ रही है। इस बार सेंटर लगातार दुहाई दे रहा है डेमोक्रेसी की, बिल्कुल डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहा है। और पुरुलिया को कौन भूल सकता है, पुरुलिया में क्या हुआ था आप सभी जानते हैं, हथियार वहां मिले थे, हथियार गिराए जा रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर ही वो राज्य है और भारत के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग, पता नहीं क्यों उसके चुनाव हो जाते हैं, ये चीजें समझनी जरूरी है। लेकिन काविंद्र, सिर्फ अगर टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी ने कहीं ना कहीं लोगों को ना अपना, अगर मैं कहूँ कि बंधक बना लिया है, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मन से बांध लिया है और शब्दों से बांध लिया है। अगर आप आंख उठाकर देखते हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ तो आपको नजरें झुकानी पड़ जाती हैं। क्यों, क्या वजह है इसके पीछे, क्या डर है? या तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है ये उनके मन में है, या फिर उन्हें रोहिंग्या साबित कर दिया जाता है, या उन्हें अपने राज्य से हटा दिया जाता है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो इर्द गिर्द घूमती है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो अच्छी सीट लेकर आए, कई साइलेंट वोटर्स जो है वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर मैं बोल रही हूँ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, केंद्र में बीजेपी है, उसके बाद भी आखिरकार वहां पर हिंसा कैसे हो गई, क्यों हो गई, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि केंद्र सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आती है कि हम जहां जहां भी चुनाव करा रहे हैं शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, बाकी सब जगह पर हो रहा है, लेकिन बंगाल में क्यों हुआ? क्या केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा जो भी वहां पर सुरक्षा बल लगाया गया था वो नाकाफी था? जी बिल्कुल, देखिए कानूनी प्रक्रिया की हम इसलिए बात नहीं कर सकते सीधे सीधे, उन पर इसलिए दोष नहीं दे सकते क्योंकि इस वक्त जो वहां पर कानून जो है वो नियंत्रण में आता है चुनाव आयोग के, लेकिन चुनाव आयोग के नियंत्रण में होने के बावजूद इस तरह की हिंसा बताती है कि वहां के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वही दरअसल इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं। इस तरह की तस्वीरें हमने कई देखी हैं, जैसे नंदीग्राम में भी इस बार जिस दिन वोटिंग हो रही थी वहां पर लगातार हिंसा हो रही थी, बीजेपी का कोई भी अगर कह देता था वहां पर तो वहां पर हिंसा होती थी, और उसके साथ ही जो आम लोग हैं
वो भी खुलकर ये बात कहते हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी पार्टी। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, बीजेपी ने सबसे पहले जब वेस्ट बंगाल में कदम रखा तो उन्होंने जय श्री राम का नारा दिया। जय श्री राम का नारा बीजेपी हर जगह देती है लेकिन ऐसे क्लैशेस की खबरें नहीं आती। वहां पर ममता बनर्जी, बीजेपी ने जब नारा दिया जय श्री राम, कार्यकर्ताओं ने जब कहा जय श्री राम, तो वहां पर बीजेपी वो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वहां की वो बौखला जाती है, वो उसके साथ ही उन्हें जेल में डलवा देती है और इसी चीज का फायदा उठाती है बीजेपी। और बीजेपी के अब हर कार्यकर्ता वहां पर जय श्री राम नारा बोलते हैं और इससे क्या है बौखलाने के लिए, उनको चिंतित करने के लिए परेशान करने। ये भी सवाल है कि ऐसा होता क्यों? एक तरफ तो ममता दीदी दुर्गा माता को मानती है, दूसरी तरफ राम के नाम पर वो चिढ़ जाती हैं, उखड़ जाती हैं, विफल जाती हैं, गुस्सा करने लगती हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर उनका शुरू हो जाता है। क्यों? खुद वो शिव का सहारा ले रही है, महाशिवरात्रि पे उन्होंने नामांकन किया, उसके बाद वो ये कहती है कि राम, देखिए अगर बात की जाए राम जी की तो भगवान शिव को मानते थे, आप शिव को मान रही हैं तो राम को क्यों नहीं? इसके पीछे सीधा सीधा ये मेरा कहना होगा कि एक होते हैं भक्त और दूसरे होते हैं डिजाइनर भक्त। जो चुनाव जैसे ही आते हैं तो डिजाइनिंग जो भक्त होते हैं वो एकदम से प्रकट, बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले हमने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी देखा था, हर चीज माला वाला पहन के पूरा हिंदुत्व का वेशभूषा धारण करते हुए। तो ऐसे में ये चीज होती है, एक भक्त होते हैं, एक डिजाइनर भक्त होते हैं। तो इस समय जो हमको नजर आ रहा है वो दरअसल डिजाइनर भक्त हैं, इसलिए वरना भगवानों में आपस में मतभेद या डिफरेंशिएट करना किसी के हक की बात नहीं होती। तो ममता बनर्जी जी जो कुछ कर रही है वो भी समझना बहुत जरूरी है और जो कुछ यहाँ पर पार्टियों के बीच चल रहा है, देखिए ये चीज समझना भी यहाँ पर जरूरी अहम हो जाता है कि पहले दरअसल क्या होता था काजोल, की पहले चुनाव पार्टियों और पार्टियों के बीच होते थे लेकिन इस बार ममता बनर्जी की वजह से चुनावों को हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया है। वो जिद पे हो रहे हैं, बिल्कुल जिद पे, कौन किसके आगे, चाहे भले ही जनता के साथ जो मर्जी हो जाए। इतने वहां पर लोगों की जान चली गई चुनावों में, आपने देखा कितने कार्यकर्ता, चाहे वो टीएमसी हो चाहे वो बीजेपी हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीएमसी के ही मरे हैं या बीजेपी के ही मरे हैं या बीजेपी आरोप लगाती है टीएमसी आरोप लगाती है। और रही बात ममता बनर्जी की, आप ममता बनर्जी का लगातार जिक्र कर रहे हैं, ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती है, हालांकि उनपे जो पाबंदियां लगाई गई थी वो हटा दी गई है, लेकिन धरने पर बैठना, एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम जो भी आचार संहिता है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे उल्लंघन है। बिल्कुल पहले आप कहते हैं, बिल्कुल पहले देखिए जैसे ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि मुस्लिम वोटर्स से कहा था, उनको लुभाने की भरपूर कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये कहीं भी नहीं जाना चाहिए, ये दरअसल भटक ना जाए कहीं कांग्रेस या लेफ्ट की तरफ ना चला जाए। तो ऐसा कहना चुनाव जब चल रहे हो, आप चुनाव में जब पोलिंग से पहले आप इस तरह की बातें करती है तो बिल्कुल सीधे सीधे पोल ऑफ कंडक्ट को वहां पर जाके खराब करता है, तो ऐसे में डेमोक्रेसी के लिए खतरा भी पैदा करता है। तो ममता बनर्जी के ऊपर जो कुछ लगाया गया चुनाव आयोग की तरफ से उनको मानना चाहिए था, लेकिन वो अगर धरने पर बैठ जाती है, वो भी ऐसी जगह पर जो कि सेना की जगह है, उनसे बिना अनुमति लिए, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ममता बनर्जी जो है वो सीधे सीधे उन चीजों का पालन नहीं करना चाहती। एक तरफ आप ये कहेंगे कि चुनाव आयोग जो कुछ बता रहा है उन चीजों का पालन कर रहे हैं, एक तरफ आप कहेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, एक तरफ आप सीधे सीधे बिल्कुल आप एक तरफ तो सीआरपीएफ पर भी आरोप लगा देती है कि सीआरपीएफ की मत सुनिए। तो अगर सीआरपीएफ की नहीं सुनेगा इंसान, अगर वहां पर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा इंसान, तो फिर चुनाव कैसे संभव कैसे है? लोकतंत्र की बात आप लगातार कर रहे हैं, लोकतंत्र बंगाल में चुनावों के दौरान पता नहीं कहां गायब हो जाता है। अगर आप ये कहती हैं कि ममता बनर्जी जहां भी खड़ी हो जाती है पीछे लाइन लग जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी को बहुत जनता वहां की पसंद करती है। देखिए अगर पसंद करती है तो आपको इस तरह के जो आप भाषण देती हैं, जो कि पूरी तरह से कई बार ऐसे होते हैं कि बहुत गलत होते हैं, कई बार आप पर रोक लगानी पड़ जाती है क्योंकि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको आपकी जनता पर विश्वास है, देखिए आप इतने सालों से वहां पर राज कर रही हैं, तो आप पर विश्वास जनता को है, आप अच्छा कर रही हैं तो जनता आपको दोबारा वोट देगी, लेकिन आप जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डर दिखाकर डर बैठाकर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। दूसरी तरफ अगर बात अभी की जाए, रिसेंट की, क्योंकि रिसेंट की बात करूंगी मैं, तो कोरोना पर बात होगी, क्योंकि कोरोना देश में इस वक्त बहुत ज्यादा चरम पर है। कोरोना की बात होना काविंद्र जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें हर जगह से सामने आ रही हैं, किसी भी राज्य से सामने आ रही हैं, बंगाल को छोड़कर। क्यों, क्या वजह है? क्या बंगाल में कोरोना नहीं जा पा रहा है, बंगाल में कोरोना नहीं हो पा रहा है, या लोग बता नहीं पा रहे हैं? टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, क्या हो रहा है वहां पर, कोई अपडेट किसी के पास क्यों नहीं है? बिल्कुल देखिए, जैसे कि आज सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, 10th और 12th के जो बोर्ड थे उनको आगे टाल दिया जाता है, लेकिन ऐसे में चुनाव टाले जाएंगे या नहीं ये कोई खबरें नहीं आ रही है। इसके साथ ही यूपी में और इसके साथ ही महाराष्ट्र में इन जगहों पर, तमाम जगहों पर नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है, लेकिन बंगाल में ये बात नहीं हो रही। पंचायत चुनाव सर पर है उत्तर प्रदेश का। और ऐसे में जैसा भी आपने ममता दीदी के बारे में बताई एक बात, कि ममता दीदी जब इस तरीके की बातें करती हैं, यही वो बातें हैं पारुल, यही वो बातें हैं काजोल, दरअसल जो वहां पर अंडर करंट को पैदा करती हैं, जो वहां पर अंडर करंट को बढ़ावा देती है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, तुष्टीकरण की बात होती है, मुस्लिम्स को लगता था कि हाँ भैया हम हैं, हम अगर वोट देंगे तो ही पार्टियां जीतती हैं। पहली बार वहां पर ऐसा हो रहा है कि हिंदुओं को लग रहा है कि हाँ
उनके बारे में भी कोई पार्टी सोच रही है, उनके पार्टी में भी कोई बात कर रही है। और इसके पीछे मैं सीधे सीधे बीजेपी के बारे में नहीं कहूंगा, ये खुद व खुद आप पोलराइज नहीं करते, ये खुद ब खुद ममता दीदी खुद ही पोलराइज कर रही हैं। अगर आप मुस्लिम्स की सिर्फ बात करेंगी तो हिंदू अपने आप को खुद ही अलग हटा हुआ महसूस करेगा, और ऐसे में अगर उनको साथ लेती है बीजेपी तो इसमें बीजेपी को क्रेडिट नहीं देना चाहिए, इसमें ममता दीदी को क्रेडिट ज्यादा मिलना चाहिए मेरी नजर में। और मेरे ख्याल से वहां की जनता को ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि जनता अपने आप समझ रही है और अपने आप पूरा फैसला ले रही है कि हमें कहां जाना है क्या नहीं जाना है। खैर काविंद्र, हमें 2 तारीख का इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 तारीख अब ज्यादा दूर भी नहीं है, बेहद करीब है और नतीजे आ ही जाएंगे, साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जनता को लेकर ये बात कही जाती है कि जनता खुलकर नहीं बोल पा रही है, जनता सामने नहीं आ पा रही है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए भी आवाज जनता उठा सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी वो चीजें नहीं दिखाई दे रही है। क्या सोशल मीडिया पर भी वर्चस्व है ममता बनर्जी का? दरअसल वहां के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर भी डालने से डरते हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर डाल देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा, आप सोशल मीडिया पर डालेंगे आपको चिन्हित किया जाएगा, आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर भी लोग वहां डालने से बहुत डरते हैं, मुंह के कहने से डरते हैं, सोशल मीडिया पर डालने से डरते हैं, मैसेजिंग से डरते हैं, फॉरवर्डिंग से भी डरते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी आरोप लगाती है टीएमसी पर वो एक हद तक सही है? बिल्कुल, जमीन तो यही कहती है, लेकिन ऐसे में लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए कि दरअसल होता क्या है। काजोल, मैं बहुत फॉर्मली एक बात बताता हूं, होता क्या है कि जब इस तरीके के हम ग्राउंड रियलिटीज दिखाते हैं और एक पक्ष को वो बातें पसंद नहीं आती तो आजकल बड़ा अच्छा प्रचलन है कि सीधे सीधे गोदी मीडिया का उनके ऊपर ठप्पा लगा दो। लेकिन एक बात समझ लीजिए, गोदी मीडिया वही, हर मीडिया वो गोदी मीडिया है जो या तो सरकार की गोदी में बैठी है या फिर विपक्ष की गोदी में बैठी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सरकार की गोदी में बैठे हैं वही गोदी मीडिया है, विपक्ष के गोद में बैठे हैं वो भी गोदी मीडिया है। लेकिन देखिए बहुत सारे चैनल्स ऐसे नहीं है कि चैनल 10-15 ही है, बहुत सारे चैनल्स हैं, हर कोई रियलिटी दिखा रहा है। देखिए अगर यूट्यूब चैनल्स की या डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो हर कोई रियलिटी दिखा रहा है कि वहां पर असल में हो क्या रहा है। और ये टैग लगा देना कि गोदी मीडिया है, टीएमसी के खिलाफ बोल रही है, मुझे नहीं लगता ये ठीक है, क्योंकि जो सही है, जो रियलिटी है, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया गया है, ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें देखी है, आप वहां थे, किस तरह की स्थिति है, एक डर, एक साया जो है ना डर का, उस खौफ में वहां की जनता जी रही होती है, कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं हम चिन्हित हो गए तो हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, टीएमसी कार्यकर्ता यहाँ ना आ जाए, उनके घर पे तोड़फोड़ ना कर दे, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें आती हैं। और मैं कह रही हूँ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर कि ऐसी तस्वीरें आती हैं वहां से। बिल्कुल, देखिए दरअसल सब नैरेटिव की बात होती है, नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया गया कि लोगों को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना ही सरकार के अगेंस्ट बोलना है, जबकि हम जिनकी बात कर रहे हैं वो खुद सरकार है, ममता दीदी की तो खुद ही सरकार है वहां पर। लेकिन इसके साथ एक चीज और साफ कर देना चाहता हूं कि पत्रकार का ना तो कोई पंथ होता है, ना तो कोई जात होती है, ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई पार्टी से उसका लेना देना होता है, पत्रकार जनता का प्रहरी है और पॉलिटिशियन जो है ये जनता के सेवक हैं। इन चीजों को समझ लेना ही बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ ही जो कुछ हम जमीन से आपको रियलिटी दिखा रहे हैं वो सिर्फ हमारा फर्ज है, और ऐसे में आप तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि जो दबी आवाज में वहां की जनता आपसे कहना चाहती है। जनता कैमरा हटने के बाद ये बातें बताती है कि नहीं, हम इस बार परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो ऐसे में आप तक ये बातें क्यों ना पहुंचे, आपको ये बातें क्यों ना पता लगे, लेकिन तस्वीरें साफ हो जाएंगी 2 मई तक। 2 मई तक का हर किसी को इंतजार है, लेकिन ये जो अंडरकरंट है, ये जो साइलेंट वोटर है, ये बहुत तेजी से बोलता है जब बोलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल, और तस्वीरें 2 मई को साफ हो जाएंगी जैसे कि काविंद्र ने अभी कहा, और जो साइलेंट वोटर्स क्या कर रहे हैं बंगाल में वो भी साफ हो जाएगा, और बीजेपी जो अपनी जीत की बात कह रही है, टीएमसी जो अपनी जीत की हुंकार भर रही है, वो भी साफ हो जाएगा। तो इंतजार करना है 2 मई का, हम लगातार इस पर कवरेज बरकरार रखेंगे, इस पर आप लोगों से जुड़ेंगे, बातें करेंगे, इससे जुड़े और भी तमाम तथ्य हैं वो भी हम सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।